Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this side is Lochan. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ इजी होम डेकोर आइडियाज़, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल मेक ड्रीम कैचर विथ पिकॉक फैदर्स. सो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एम्ब्रॉयडरी रिंग एंड वुलन थ्रेड. नाउ इस वुलन थ्रेड को किसी भी बुक के ऊपर या फिर कोई कार्डबोर्ड के ऊपर 4 to 5 times इस तरह से आपको लेना है और उसके बाद में इसे एक जगह से कट करना है और इसके बाद में इन्हें रिंग के ऊपर कुछ इस तरह से स्टिक करना है. आप यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी रिंग की जगह पर जो ड्रीम कैचर के लिए स्पेशली जो रिंग्स आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. आप यहाँ चाहे तो सिंगल थ्रेड को भी रैप कर सकते हैं बट वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो उसके लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. इस टेक्निक में 4 to 5 threads एक साथ रैप हो जाते हैं, तो ये काफ़ी इजीली भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है. नाउ एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट कर देना है और इन्हें ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देना है. अभी ये अच्छे से स्टिक हो उसके लिए आप कोई क्लॉथ पिन यूज़ कर सकते हैं. सेम प्रोसेस से हमें इस पूरी रिंग को कवर करना है एंड जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके ऊपर हमें मार्क करना है. मार्क करने के लिए मैंने यहाँ पर रिंग की साइज़ का ही पेपर लिया है और इसे राउंड शेप में ही मैंने कट कर लिया है. नाउ इसे मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी एंड फोल्ड करने के बाद इसे जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से लाइन्स बन जाएगी एंड इससे हम काफ़ी ईजीली मार्क कर पाएंगे. इस तरह से हमें 8 points चाहिए. आप इसे बहुत ज़्यादा भरा हुआ बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप इन्हें बढ़ा भी सकते हैं. नाउ अगेन मैं यहाँ पर वुलन थ्रेड ले रही हूँ और हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे. इसके बाद की जो स्टेप है प्लीज़ आप उसे केयरफुली देखिएगा. इसके लिए हमें करना है रिंग के नीचे से हम थ्रेड लेंगे और जो ये नॉट टाइप से बन जाता है इसे हमें रिंग के सेंटर में खींचना है. ओके, नाउ जब ये नॉट बन जाता है उसके बाद अगेन रिंग को हमें घुमाना है और उसके बाद में थ्रेड को रिंग के नीचे से लेकर के उस थ्रेड के अंदर से निकालना है, तो कुछ इस तरह से नॉट टाइप से बन जाएगा. सेम इसी प्रोसेस से हमें इस पूरी रिंग को कंप्लीट करना है. रिंग के ऊपर जो हमने मार्क किया था उसमें से सिर्फ 1 point ही हमारा काम आया था. उसके बाद में जब हमने रिंग को घुमा दिया था तो हमारे जो सारे मार्क किए हुए थे वो नीचे की साइड में दब गए थे. तो आप चॉक की हेल्प से इस साइड में भी आप मार्क कर दीजिए तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए. यहाँ आने के बाद में आपको एक यहाँ पर नॉट लगाना है और उसके बाद में ये जो नेक्स्ट वाला जो थ्रेड है उसके सेंटर से आपको इस तरह से थ्रेड को लेना है. सेम इसी प्रोसेस से हमें इसे कंप्लीट करना है. जो हमारा थ्रेड है उसके सेंटर में नॉट बनना चाहिए. सेंटर में 3 to 4 knots लगाकर इसे अच्छे से सिक्योर कर दीजिए. नाउ नीचे हैंग करने के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं पिकॉक फैदर्स. फैदर के ऊपर वुलन थ्रेड का कुछ इस तरह से नॉट लगाएंगे. क्योंकि ये थ्रेड काफ़ी थिक होता है और ये इजीली वुडन बीड्स के अंदर जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस पर फेविकोल लगा करके इसे 1-2 minutes के लिए छोड़ देंगे तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा और पॉइंटेड हो जाएगा, तो वुडन बीड्स के अंदर इजीली चला जाएगा. एंड इस तरह से इजीली हम वुडन बीड्स को इसके अंदर डाल सकते हैं. यहाँ मैंने 10 beads लिए हैं, आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं. नाउ फेदर का जो ये वाइट पार्ट है इसे भी आपको बीट्स के अंदर से निकालना है. मीन्स यहाँ पर थ्रेड एंड ये जो वाइट पार्ट है दोनों ही बीट्स के अंदर होना चाहिए.
सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पर 5 फेदर्स को रेडी किया है। ड्रीम कैचर की ब्यूटी को और ज़्यादा इनहांस करने के लिए आप यहाँ पर पर्ल्स यूज़ कर सकते हैं, स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं यहाँ पर ये जो छोटे छोटे वाइट मोती होते हैं इन्हें निडल की हेल्प से लगा रही हूँ। एंड जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इन फेदर्स को हमें कुछ इस तरह से टाई करना है। आप जब इन्हें टाई करते हैं तो एक बार आप लूज़ ही टाई करें, जब आप वॉल पर हैंग करते हैं तो इससे आपको एक्यूरेट पता चलेगा कि आपको कहीं अगर एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करने के बाद में ही आप इसे अच्छे से टाइटली टाई करें। इसे हैंग करने के लिए अगेन यहाँ लिया है वुलन थ्रेड और साथ ही में इसमें डाले हैं वुडन बीट्स और यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाने के बाद में इसे हम रिंग के ऊपर टाई करेंगे। एंड इट्स रेडी। इसे आप एंट्रेंस पर हैंग कर सकते हैं या फिर आप बालकनी में हैंग कर सकते हैं और ये किड्स रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट DIY है। ऐसा माना जाता है कि पिकॉक फेदर की वजह से बैड ड्रीम्स नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैंने ये मायरा के रूम के लिए बनाया है और उसके रूम को डेकोर करने के लिए इसे यूज़ किया है। होम डेकोर की बात करें और उसमें बॉटल आर्ट ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, सो हमारा सेकेंड DIY है बॉटल आर्ट। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्लास बॉटल और उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे होममेड वाइट जेसो। अगर आपको नहीं पता है कि होममेड जेसो कैसे बनाते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। जब जेसो अच्छे से ड्राई हो जाता है तो बॉटल को डेकोरेट करने के लिए आप कुछ इस तरह से लेस या फिर कोई भी रिबन यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर हम पिकॉक फेदर यूज़ कर रहे हैं। इसे आपको लेस में कुछ इस तरह से फिक्स करना है और उसके बाद में हॉट ग्लू गन या फिर कोई भी सिलिकॉन ग्लू या किसी से भी आप इसे स्टिक कर दें। आप यहाँ चाहे तो कृष्णा ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरह से बांसुरी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसे हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर परमानेंट मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर 00 नंबर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप इन DIYs को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। यहाँ इस बांसुरी को डेकोरेट करने के लिए आप इसे कलर कर सकते हैं या फिर अलग अलग टाइप की पर्ल्स या स्टोन से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। सिर्फ यहाँ पर पिकॉक की जो ये आई है इसके लिए मैंने ब्लैक स्टोन यूज़ किया है। एंड इट्स रेडी। आप चाहे तो इसमें कुछ स्ट्रिंग लाइट्स या फेरी लाइट्स डाल के इसे एज अ नाइट लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो DIY है वो अगेन बॉटल आर्ट है और यहाँ पर मैंने ग्लास बॉटल के ऊपर येलो होममेड जेसो अप्लाई किया है। इस बॉटल पर भी सेम हम पिकॉक इंस्पायर आर्ट ही करेंगे, तो इसके लिए फर्स्ट मैंने पेपर पर पिकॉक डिज़ाइन ड्रॉ किया है। अगर आपको ये सेम डिज़ाइन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं आपको ये डिज़ाइन प्रोवाइड करवा दूँगी। इस डिज़ाइन को अगर हम डायरेक्टली बॉटल पर बनाना चाहेंगे तो इतना एक्यूरेट बनेगा नहीं, इसीलिए हम इसे ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ येलो कार्बन पेपर और इस पेपर को फर्स्ट हम टेप से अच्छे से सिक्योर कर देंगे और उसके बाद में टेप की हेल्प से इसे बॉटल पर स्टिक करेंगे एंड उसके बाद में ही हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। बॉटल का जो रिमेनिंग एरिया है वहाँ पर कहीं कहीं पर हम लोटस बनाएंगे और कहीं पर लीव्स बनाएंगे। एंड कलर करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्रिलिक कलर और ब्रश नंबर है 00 या फिर आप 00 नंबर यूज़ कर सकते हैं।
जब आप इस पोर्टल आर्ट को कंप्लीट देख लेते हैं उसके बाद प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों में से आपका फेवरेट DIY कौन सा है। और इनमें से अगर आप कोई भी DIY ट्राई करते हैं तो आप अपने आर्ट की पिक्चर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जब मेन पेंटिंग का वर्क फिनिश हो जाता है तो हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अगेन यहाँ पर परमानेंट मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर चाहे तो 00 नंबर ब्रश के साथ में भी वर्क कर सकते हैं। बॉटल की ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हम यहाँ स्टिक कर सकते हैं हाफ स्टोन्स, और ये स्टोन्स है सिल्वर कलर में। एंड जब आपका आर्टवर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप किसी भी वार्निश से अपने वर्क को सील कर सकते हैं। आपको वार्निश कौन सा यूज़ करना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। बॉटल कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी लगेगी। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब, और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। इससे जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।